नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे पक्षी के बारे में जानेंगे जिसे कभी भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन आज वह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या जिसे लोग प्यार से सोन चिड़ैया भी पुकारते हैं। इसे गोंडावन के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी की संख्या साल 1969 में 1260 थी और यह देश के कई इलाकों में पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ 5 राज्यों में पाई जाती है और इसकी संख्या भी 150 बची है। दोस्तों, विश्व में पाए जाने वाले सबसे बड़े और वजनी उड़ने वाले पक्षियों की प्रजाति में से एक है सोन चिड़ैया। इसकी हाइट 1 मीटर ऊंची और इसका वजन 10 से 15 किलोग्राम होता है। आकार में बड़े होने और शरीर का ढंग क्षैतिज होने और पैर लंबे होने के बावजूद ये उड़ तो सकती है, लेकिन उस फुर्ती के साथ नहीं। बिजली के तार के सामने आने पर ये बाकी पक्षियों की तरह बच नहीं पाते और इसका शिकार हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इनमें सीधे देखने की क्षमता की कमी होना। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में जो प्रमुख बातें हैं, आइए उन पर गौर करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी यह माना जाता है। यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चारागाह पारिस्थितिक का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। विद्युत लाइनों से टकराव, शिकार, आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप यह पक्षी खतरे में है। दोस्तों, यह देखने में शुतुरमुर्ग जैसी दिखती है। इसे शर्मिला पक्षी और सर्वाहारी पक्षी भी कहते हैं। यह गेहूं, ज्वार, बेर के फल, बाजरा तो खाती है, टिड्डे भी खाती है। इतना ही नहीं, सांप, छिपकली और यह बिच्छू को भी खा लेती है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। ये जमीन पर ही अपना घोंसला बनाती है, जिसकी वजह से इसके अंडों को कुत्ते और दूसरे जानवरों से खतरा बना रहता है। एक तरफ राजस्थान में इसे राजकीय पक्षी माना जाता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्षेत्रों में इसका शिकार कर मांस खाया जाता है। सोन चिड़ैया लंबी दूरी तय करती है, जिसकी वजह से उनका शिकार भी हो जाता है। भारत में इसके शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है। भारत में इनकी संख्या कम होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, आइए उन पर बात करते हैं। भारत में बिजली के तारों के अलावा घास के मैदानों में कमी की वजह से भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये घास के मैदानों को ही अपना प्राकृतिक निवास समझती है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था खराब हो रही है और घास के मैदान नष्ट हो रहे हैं, तो इनके सामने भी संकट गहरा रहा है। एक समय ये पक्षी पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलते थे। राजस्थान सरकार ने इस पक्षी को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसका नाम रखा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये प्रोजेक्ट साल 2013 में पर्यावरण दिवस के दिन शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य उनके घर, प्रजनन स्थल को बचाना और सुरक्षित करना है। जैसलमेर के नज़दीक नेशनल पार्क अभ्यारण्य में भी इसे लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सुरक्षा की स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त की लिस्ट में रखा गया है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसिस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की परिशिष्ट वन की श्रेणी में इसे रखा गया है। दोस्तों, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस ऑफ वाइल्ड एनिमेशन में इसे परिशिष्ट वन पे रखा गया है। साथ ही दोस्तों, भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत
का राजस्थान राज्य पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये पक्षी वहाँ बंदूकधारी शिकारियों के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। इस दुर्लभ पक्षी के शिकार से न केवल भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी कम होगी, बल्कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होगा। दोस्तों, भारत सरकार की जो पहले हैं उन पर बात करते हैं। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्य जीवों आवासों के एकीकृत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम के तहत रखा गया है। दोस्तों, याद रखिए, प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम के तहत इसे रखा गया है। साथ ही इस मंत्रालय ने इंडियन हैबिटेट इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी को बढ़ाना और इसके लिए जंगल में इनके बच्चों को मुक्त करना है। राजस्थान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन बाड़ों के निर्माण और उनके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिए एवं बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया है। दोस्तों, वैसे तो यह पक्षी, जिसे एक समय भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने की बात हो रही थी, लेकिन इसके आड़े आ गया इसका नाम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो दोस्तों, इसमें जो बस्टर्ड शब्द है उसको लेकर काफ़ी आपत्ति थी, इस वजह से नेशनल बर्ड मोर को बना दिया गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों, ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं और लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।